बात हुए हैं। देखिए ना, एक चीज है किस्त, आप इंसाफ पर खड़े हैं, ठीक जगह पर खड़े हैं, सही तवाजुन के साथ खड़े हैं, और एक चीज है इनहराफात, डेविएशन, उनसे इंसान को निकाल के बिल्कुल सही जगह पर ले आया जाए, वो जगह जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने उनके लिए मुतय्यन की। ये जो डेविएशंस हैं, आप ये ज़ईफ़ुल एतिक़ादी या अंधा अकीदा, ये दरअसल डेविएशंस की मिसालें हैं। उसको आप, मैंने आपको सादा मिसाल दी है कि खुद मुसलमानों की तारीख में देख लें, क्या मुसलमानों की तारीख की इब्तिदा शिर्क से हुई है? मुसलमानों की जो मौजूदा तारीख है, यानी रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई है, क्या उसमें शिर्क से इब्तिदा हुई है? उसमें तौहीद खालिस से इब्तिदा हुई है। आज कौन सा मुशरिकाना वहम है जो मुसलमानों के यहां मौजूद नहीं है? तो इसका मतलब यह है कि तौहीद पर कायम होने के बावजूद इंसान इन इनहराफात की तरफ निकल जाता है। इन इनहराफात के मामले में उसको हर वक्त मुतनब्बे करने की जरूरत होती है, हर वक्त उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत होती है। तो वही तो वो बहन कह रही है कि फिर रसूल क्यों बंद हो गए, उनको आना चाहिए था, सिलसिला जारी रहता। ये जो सवाल उन्होंने किया है, ये सवाल मेरे ख्याल में एक पूरे के पूरे प्रोग्राम का मौजू होना चाहिए। यानी ये क्यों हुआ कि अल्लाह ताला ने इस एहतमाम के साथ नबी भेजे, उनके जरिए से इंसान को तवज्जो दिलाई, अल्लाह की हुज्जत पूरी हुई, और उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम पर नबूवत खत्म हो गई। तो मेरी गुजारिश है कि इसको आप किसी पूरे के पूरे प्रोग्राम, रिसालत का इंस्टीट्यूशन जो है, रिसालत का इंस्टीट्यूशन कैसे कायम हुआ, इसकी तारीख क्या है, ये किन मराहिल से गुजरा, और फिर नबूवत खत्म करने का ऐलान क्यों कर दिया गया? वही जरूरत जो इंसान को लायक थी वो आज क्यों नहीं है, और अल्लाह ताला ने ये अजीम फैसला क्यों किया? यानी पहले एक बहुत बड़ा फैसला किया अंबिया अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का, फिर एक दूसरा बड़ा फैसला किया अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले को खत्म करने का। इसके असबाब, इसके वजूह क्या है, इसके इल्मी दलाइल क्या है, कुरान मजीद इसके बारे में क्या तसव्वुर पेश करता है, इसको भी किसी वक्त मौजूद बहस बनाया जा सकता है। समझने की गर्ज से, जरूरी नहीं कि सबका यह ख्याल हो, लेकिन वो जब बच्चे नौजवान बात करते हैं, एतराजात सामने आते हैं, तो ये होता है कि जी मजहब तो नाम है कुछ एतकादात का, कुछ रिचुअल्स का, कुछ रसूमात हैं, कुछ अमाल अंजाम देते हैं, वरना तो मजहब में और क्या रखा है। तो मजहब का ये जो पहलू है कि जिसमें वो चीजें जिनको उमूमन खैर समझा जाता है, अच्छा अखलाक है, अच्छा रवैया है, और वो ऐसा भी हो सकता है कि खुदा को ना मानने वाला कोई आदमी अख्तियार कर ले, तो फिर मजहब अच्छा हुआ या अखलाक अच्छा हुआ? और दूसरी जानिब रसूमात का फिर क्या फायदा है अगर वो नमाज पढ़ने के बाद अखलाक ठीक नहीं हुए, और अगर कोई मुसलमान होने के बावजूद भी बदहदी करता है, तो ये चीजें लोगों को कंफ्यूज करती हैं। तो फिर मजहब अपनी हकीकत में दरअसल क्या है? मजहब की हकीकत लोगों को समझाई नहीं गई। हमने अपनी नई नस्लों को मजहब के बारे में कभी एजुकेट नहीं किया, कभी उनके सवालात पर एड्रेस ही नहीं किया, कभी उनको जवाब देने की कोशिश ही नहीं की। वो कहां से मजहब लेते हैं इसका भी जायजा लेने की कभी कोशिश नहीं की। होता क्या है हमारे यहां, यानी बच्चा पैदा होता है, वालदैन कुछ थोड़ी बहुत मजहबी मालूमात उसको फराहम करते हैं, एक कारी साहब के आप उनको सपोर्ट करते हैं, वो कुछ कुरान पढ़ा देते हैं, कुछ दुआएं याद करा देते हैं, अच्छा बहुत हुआ तो मस्जिद में चला गया बच्चा, वहां से कुछ बातें सुन ली। तो मजहब की हकीकी तालीम जैसे दी जानी चाहिए इल्मी और अकली इस्तदलाल के साथ, वो कभी दी ही नहीं जाती हमारे को, इस वजह से ये सवालात पैदा होते हैं। देखिए, सबसे पहले कुरान मजीद हमको ये बताता है कि जब तुम्हें एक दिन दुनिया से रुखसत होना है और खुदा के हुजूर में जाके पेश होना है, उस पेशी के बाद तुम्हारी अबदी जिंदगी की इब्तिदा होनी है। ये मजहब का बुनियादी मुकदमा है। यानी एक दिन तुम्हें अपने परवरदिगार के हुजूर में जवाबदेह होना है और उसके बाद तुम्हारी अबदी जिंदगी की इब्तिदा होनी है, हमेशा की जिंदगी की इब्तिदा होनी है। इस आरजी जिंदगी को मौत पर खत्म हो जाना है और मौत के बाद नई जिंदगी शुरू होगी। उस जिंदगी में अल्लाह ताला ने फिरदौस आबाद कर रखा है, उसके लिए वो इस दुनिया के अंदर लोगों का इंतखाब कर रहा है। ये इंतखाब किस उसूल पर हो रहा है कि उन्होंने अपने आप को कितना प्योरीफाई किया। कुरान की इस्तिलाह में इसको कहते हैं तज़किया। ये मजहब का मकसद है। ये जो रसूम और रिवायात हैं, ये बड़ी बात की चीज है, पहले बुनियादी चीज समझनी चाहिए। मजहब का बुनियादी मुकदमा यह है कि हम खुदा के हुजूर जाने वाले हैं और वहां हमें एक अबदी जिंदगी हासिल हो जाएगी। उस अबदी जिंदगी में खुदा की इनायत पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को प्योरीफाई करें। यानी असल में स्कीम क्या है? स्कीम यह है कि दुनिया के अंदर से वो लोग जो अपने नफ्स का तस्किया कर लें, अपने आप को पाकीजा बना लें, अपने आप को प्योरीफाई कर लें, उनका इंतखाब किया जाए। तो असल में अखलाक की पाकीजगी है जो मजहब का मौजू है, और इस मामले में तीनों चीजों को मजहब ने अपने दायरे में लिया है। यानी एक इस बात को कि हमारे बदन को साफ होना चाहिए, दूसरा ये कि हमारे खाने पीने खुरो नोश को पाकीजा होना चाहिए, और तीसरा ये कि हमारे अखलाक को पाकीजा। ये एक वो तस्वुर है जिस पर मेरे ख्याल में कुछ तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन अली साहब हैं लाइन पर, उनकी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अली साहब। जी मुझे डॉक्टर से ये क्वेश्चन पूछना है कि आखिर मजहब इंसान को ऐसी कौन सी इंतहाई जरूरी चीज देता है जिसकी वजह से इसे लाजमन मजहब कबूल करने पर जोर दिया जाता है?
یہی وہ سوال ہے، یعنی بار بار اٹھتا ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا نا کہ اصل مذہب یہ ہے جو آپ نے آخر میں بتایا کہ مذہب اپنی کور میں یہ تین چیزیں ہیں، لیکن یہ بات لوگوں کو خالباً سمجھائی نہیں گئی۔ یہ بھائی بھی یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مذہب وہ میری کون سی ضرورت پوری کر رہا ہے، یعنی وہ احساس نہیں ہے، جو ارج نہیں ہے جو اس بات کی تسکین کے لیے آپ کی اس بات کو سمجھ سکے، یہ گیپ کیسے فل ہوگا؟ تعلیم سے، یعنی ہمیں اپنی نئی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کی تعلیم کے ذرائع پیدا کرنے چاہیے، اعلیٰ درجے کے اہل علم کو یہ خدمت انجام دینی چاہیے۔ آپ کتنے بے چین ہو جاتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے ہاں بیماریاں موجود ہیں لیکن ان کے لیے اعلیٰ درجے کے ہسپتال نہیں، اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر نہیں۔ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ طب کی بہترین سہولتیں اپنے ملک میں فراہم کریں، کیا کبھی دین کے علم کے بارے میں بھی ہم اتنے متردد ہوتے ہیں؟ یعنی وہ مسئلہ جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، موت کا مسئلہ، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس مسئلے پر سب سے زیادہ بیتابی، سب سے زیادہ اضطراب ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو ٹھیک ہے کہ دینی تعلیم کا بہت اچھا انتظام نہیں ہے، لیکن دین اگر فطری چیز ہے، وہ جو دین دیتا ہے وہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو تعلیم کتنی دی گئی ہے۔ وہ تو از خود اس کو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ کسی تہذیب سے آشنا نہ ہو، اس کے ہاں یہ چیز مذہبی بنیادی اعتقادات سے، یا جیسے آپ نے فرمایا جن چیزوں کا مذہب ہے، کیا یہ ناشنائی کا مسئلہ ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ ایسا ہی ہو جاتا، ہوتا یہ ہے کہ گرد و پیش میں مذہب کی غلط تعبیریں ہجوم کر لیتی، یعنی جب آپ غلط باتیں بیان کر دیتے ہیں اور گرد و پیش سے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں انسان ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ اس کی فطرت پر چھوڑ دیں اور پھر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سادگی سے اس کے سامنے آئے، تو اسے قبول کرے گا۔ اچھا، یہ ایک بالکل دوسری بات ہے کہ اصل میں وہ پہنچ جاتا اپنی فطرت ہی سے کہیں، لیکن خارجی عوامل کی وجہ سے اس کی رکاوٹیں سامنے آ گئیں۔